तो ऊपर का पहाड़ के ऊपर आने और थोड़ा हालत खराब हो गया क्योंकि दो दिन से गोवा में था। तो कुछ खाऊंगा करके ऐसे लेके जा रहा है कि मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलेगा और मेरे गाड़ी को भी। तो फाइनली ऐसे निकलने का बारी आ चुका है और इसे गुड बॉय बोलने का बारी आ चुका है। तो ये अपना ओरियो तैयार है फुल टू, यहाँ से स्ट्रेट जाएगा तो आपको इसी बताया था मैं बीच है और यहाँ से आउट होना है मेरे को। तो फर्स्ट थिंग तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ही नाश्ता करके निकल जाओ क्योंकि आगे मिले या नहीं मिले पता नहीं। इधर इडली तो मिलता है अपना फेवरेट, तो इडली खा के फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। भाई चलिए फिर यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है और ये हमारी गाड़ी हो गई बंद। तो कुल स्टार्ट तो रख दिया था 10-15 मिनट के लिए, तो सब सामान ले लिया हूँ मैं, कुछ भूला तो नहीं भाई याद कर ले, नहीं पूरा रूम खाली था। तो फिलहाल ये आउट और टाइम कुछ हो रहा है 9:45। तो जैसे कि कल आपने वो जो होटल देखा था, होटल भी नहीं बोल सकते उसे, तो खाने का जो उधर था उधर ही जा रहा हूँ मैं अभी, उधर खा के इडली फिर वहाँ से छू डायरेक्ट हाईवे पे मिलता हूँ फिर मैं। तो फाइनली अपना राइड स्टार्ट हो चुका है और टाइम अभी कुछ हो रहा है 10:20। तो लेते हैं गणपति बप्पा का नाम और निकलते हैं राइड के लिए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो यहाँ से कोल्हापुर कुछ दिखा रहा है 292 और 7 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा है, जबकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा दिखा रहा है ये 7 घंटे का डिस्टेंस 292, क्योंकि मैं 400 किलोमीटर आया वही 800 का 8 घंटे का कुछ डिस्टेंस था और ये तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं क्या होता है, टाइम कवर होता है या नहीं होता है, क्योंकि मेरा एक भाई निकला है गाँव से, वो भी 6 बजे तक पहुँच जाएगा उधर मलकापुर में तो, और मैं भी पहुँच जाऊँगा। तो दोनों साथ में हम शादी में गए थे तो वो आज निकला है, मैं आज निकल रहा हूँ, वो कल निकला था ट्रेन से और मैं आज निकल रहा हूँ बाइक से, वो भी गोवा से और वो निकल रहा है कर्नाटक से। चलिए फिर आपको मिलता हूँ मैं हाईवे पे, पहले सिटी से निकल जाता हूँ गोवा सिटी से, और मैं था साउथ गोवा में, और देखेंगे नेक्स्ट टाइम कभी नॉर्थ गोवा या प्रॉपर गोवा जाके आएंगे, क्योंकि इधर तो बहुत एकदम ठंडा मौसम था, इतना कुछ क्राउड नहीं था और ऊपर से मैं अकेला आया तो मुझे ज़्यादा करके बोरिंग लग रहा था। मम्मी तो बोली रही थी जा मत करके, अकेला गोवा जा रहा है और अकेला क्यों जा रहा है, वो भी फर्स्ट टाइम जा रहा है करके, किसी को साथ में लेके जा, पर लेकिन कोई अपने साथ था नहीं राइडर तो उसके लिए जमा नहीं, क्योंकि पूरा बैग अपने देखा लोड है, मैं किसी को साथ में लेके भी नहीं आ सक रहा था। चलिए फिर आपको मैं मिलता हूँ डायरेक्ट हाईवे पे। ये गोवा से बाहर के नहीं निकला, डायरेक्ट ऑफिस जंगल वाला एरिया आ चुका है हमारा स्वागत करने के लिए, क्योंकि मेरे को जितना आइडिया है मैं बल्लारी से निकला था कर्नाटक साइड से, तो कुछ 3 घंटा ही मैं हाईवे पे था, फिर उसके बाद जंगल एरिया में से निकलते निकलते जा रहा था। जैसे कि मैं आपको बताया कि मुझे डर लग रहा था जंगल एरिया में, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था और कोई दिख भी नहीं रहा था ज़्यादा प्रॉपरली। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है ऑफिस में पहाड़ चढ़ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से चढ़न आ रहा है और टर्निंग आ रहा है और ऑफिस में जंगल एरिया में तो घुस चुका हूँ। देखते हैं अभी इससे बाहर कितना बजे निकलूँगा मैं, क्योंकि मुझे 6 घंटा राइड करना है आज का जो टारगेट है जो गूगल बता रहा है, पर मेरे हिसाब से 6 घंटा मतलब मैं 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा पकड़ के चलता हूँ, तो मुझे लग रहा है मैं 7 बजे तक 5 बजे तक 6 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा मलकापुर कोल्हापुर में, फिर कोल्हापुर से निकलूँगा नेक्स्ट डे और डायरेक्ट फिर पहुँचेंगे हम मुंबई सपनों की नगरी। गाड़ी इतनी स्लो चलते चलेगी तो फिर हम पहुँचेंगे कब भाई कोल्हापुर। सिर्फ मुझे वही एक रोड अच्छा मिला बल्लारी टू जो गोवा का स्टार्टिंग का 3 घंटे का रास्ता था, जिसमें हम 100 से लेके 110-120 तक जा रहे थे, जिसमें हम 100 से 110-120 तक जा पा रहे थे। अभी तक मैं आपको बताया था मुंबई से निकला हूँ तब से। जा रही थी कावासाकी, उसका आवाज़ इतने लंबे से आ रहा था ना, इसलिए मैं कैमरा चालू कर दिया पहले, मैं समझ गया कोई तो गाड़ी स्पोर्ट बाइक आ रहा है पीछे से करके, जबरदस्त।
मुझे तो अभी एक घंटा होने को आ जाएगा, मैं इस सिटी से निकल रहा हूँ, अभी तक कुछ प्रॉपर हाईवे आया नहीं है। फिर से आज का एक घंटा वेस्ट सिटी में से निकलने में। और हाईवे से कुछ 252 किलोमीटर का डिस्टेंस है कोल्हापुर। ए शिट, कोल्हापुर। गोवा में एक चीज़ का मज़ा है जो था एकदम साइलेंट, किसी का टेंशन नहीं कुछ नहीं, और बीच पे सब खाने का चीज़ भी था। और फर्स्ट थिंग तो देखने जाएंगे तो जो बेड रखे थे उन लोगों ने सोने के लिए बाहर, वो भी सही था। तो गोवा जाने का मेरा मोटिव एक ही था आपके लिए, जो अपना चैनल है के मिस कंटेंट करके, उसके ऊपर वीडियो मेरा गोवा राइड का एक भी नहीं था, तो ख़ास करके मैं उसके लिए प्लान बनाया पूरा कर्नाटक टू गोवा, गोवा टू मुंबई राइड। तो आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जो नए लोग रहेंगे जो वीडियो देख रहे, जो नया यूज़र रहेगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक ठोक देना और कमेंट करना कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और देखते हैं रोड का भी क्या ज़्यादा करके स्पीड मेंटेन होता है अपना, कि अपना गाड़ी नॉन स्टॉप 127 की स्पीड में भी गया है अभी तक। फाइनली एक ब्रिज पे से अभी जाने वाले हम, और एक नया ब्रिज बन रहा है बाजू में, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, तो एक नया ब्रिज है, बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है ये। सुपर दिख रहा है वो ब्रिज, एक बार रेडी हो जाएगा ना मस्त रहेगा, क्योंकि वहाँ से एक बड़ा रूट जाएगा स्ट्रेट, क्योंकि एक बड़ा ब्रिज था पीछे बाजू जो डायरेक्ट सिटी से बाहर निकलते हुए डायरेक्ट तो हाईवे को टच कर रहा था, वो ये वाला ब्रिज था जिसका मुझे लगा चल रहा है करके मैं गया, बंद है करके मैं उसके ऊपर से गया नहीं, सॉरी उस पर काम चल रहा था, तो ब्रिज जो था बड़े वाले बड़ा ब्रिज उस पर काम चल रहा था, उसके लिए उन्होंने सिटी से नहीं चला, नीचे से निकला मैं अभी, और वो ब्रिज देखने मिल रहा है। हाईवे मिलेगा करके, क्योंकि जिस तरह से मैं जा रहा हूँ अभी अराउंड 2 घंटा होने को आएगा मुझे गाड़ी लेके, जो आप ऊपर देख पा रहे हो वही ब्रिज है, ये डायरेक्ट कनेक्ट होने वाला है डाउन साइड में, बहुत बड़ा ब्रिज बना रहा है इन लोग। ये टाइम हो गया पानी पीने का, क्योंकि बहुत देर से प्यास लगा था मुझे। मेरा बॉटल का हालत देखो क्या है, मैं इधर पैक करके अंदर रखा था बॉटल, जिससे स्पेस ज़्यादा ना हो करके हो चुका है मेरा पूरा। और ये जो जगह आप पीछे देख पा रहे हो ना, तो सामने एक नदी जा रही है और ये पूरा पहाड़ है जो ट्रीज से भरे हुए, और थोड़ा हालत ख़राब हो गया क्योंकि 2 दिन से गोवा में था, और तबीयत आपको बोला मैं ऑलरेडी ख़राब हो चुका है मेरा पूरा, जिससे मुझे बुखार आ रहा है और थोड़ा बॉडी पेन ज़्यादा हो रहा है अभी। कोई गोली भी अभी मैं खा नहीं सकता क्योंकि अभी डाइट कर रहा हूँ, गोली खाऊंगा तो डायरेक्ट नींद आ जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। सैटरडे के दिन तो मैं गोली खा के सो गया था, तब अभी जाके थोड़ा फ्री रिलैक्स लग रहा है हल्का सा, ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं राइड कर सकता हूँ, नहीं तो आज का भी प्लान था मेरा गोवा ही रुकने का, लेकिन मैंने प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि मुंबई जल्द से जल्द जाना है, अपना छुट्टी ख़त्म होने को आ गया, बस 2 ही दिन बचा है छुट्टी को, चलिए फिर निकल दे यहाँ से। कुछ मैं 10 मिनट रुका था इधर, प्रॉपर हाईवे नहीं मिल रहा है, और रोड जैसा मनता है वैसा नहीं मिल रहा है, लोकल रोड मिल रहा है, प्रॉपर हाईवे नहीं मिल रहा है। रुका था अभी चले, फिर यहाँ से निकल दे। देख पा रहे हो तो बारिक बूंदे चालू हो गए, लेकिन इधर तो होल्ड करना पड़ेगा, तो अपना गोप्रो में पानी चला जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे पता नहीं चल रहा है गूगल बाबा में वो कहाँ से लेके जा रहा है, हाईवे छुड़ा दिया और एक
गांव वाला केड़े गांव के रास्ते से लेके जा रहा है। और कुछ अराउंड 74 किलोमीटर बचा है कोल्हापुर पहुँचने के लिए, जो मलकापुर में मुझे जाना है। रोड थोड़ा ठीक है इधर का, बीच बीच में खराब रास्ता आ रहा है और कहाँ कहाँ पे अच्छा रास्ता है, तो ठीक है जा पा रहा हूँ। शॉर्टकट मिल गया है, 2 घंटा लगेगा और गूगल के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाना चाहिए। मैं सोचा तो कुछ खाऊंगा करके, पर जो ऐसे जगह से लेके जा रहा है कि मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलेगा और मेरे गाड़ी को भी खाने नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा गाड़ी में एक ही गाड़ी पेट्रोल बचा है, तो मीन से अराउंड 50-60 किलोमीटर मेरी गाड़ी जाएगी। उससे पहले पेट्रोल पम्प मिला तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो गाड़ी किधर भी बंद गिर सकते हैं बीच में, तो नहीं होना चाहिए। कुछ खाने का मन कर रहा है अभी, ढूंढ रहा क्योंकि इधर प्रॉपर स्कैनर मिलेगा तो अच्छा होगा। स्कैनर इधर नहीं है ज़्यादा करके इसके पास, स्कैनर या गूगल पे। तो होटल तो घुमा, मैं रिवर्स आया हूँ, यहाँ से आया था अभी रिटर्न घूम रहा हूँ। किसी के पास स्कैनर रहेगा तो, क्योंकि कैश नहीं था जिधर मैं पेट्रोल भरा उधर भी गूगल पे नहीं चल रहा था, उधर भी सिर्फ कैश अलाउड था। दादा गूगल पे चालू है ऑनलाइन? ठीक है इधर मिल गया। तो यहाँ खाते और छू मंतर होते फटाफट, क्योंकि 1 घंटे का डिस्टेंस ज़्यादा लंबा भी नहीं है अभी, तो इतना टाइम लगेगा नहीं। इधर तो नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क वाईफाई का लेवल तो फाइनली कैश ख़त्म हो गया और इधर गूगल पे भी नहीं चल रहा है। तो मैंने किया चिल्लर जमा खाने के लिए, क्योंकि मैं कुछ 2:30 बजे खाया था, 30, 40, 50, 60। ठीक है तो 5 रुपये कमी है, फाइनली फ्राइड राइस मिल गया 5 रुपये कम करके। तो मेरा हालत ख़राब हो गया था, कुछ खाया नहीं था। तब 5 रुपये कम लेके हमको पेट भर के खाना खिला दिया। चल बाबा बेटू, आपका शॉप का, तुमचं शॉपचं नाव काय? पूर्ण सप्पा कुठं पडतो हा पूर्ण शॉप? इकडे पाचल राजापूर साहेब, पाचल राजापूर। तो कोई भी रोड से आते रहेंगे ना? हाँ कोल्हापूर, मी मलकापूरला चाललोय। तो कोई भी कोल्हापूर रोड से आते रहेंगे तो ये होटल का नाम जाके खा सकते हैं। टेस्ट भी अच्छा था पेट भर के। मैं खाते समय मुझे ऐसा लगा कि मैं फुल राइस खा रहा हूँ, जबकि मैं हाफ राइस का ऑर्डर दिया था। कुछ छूटा तो नहीं ना। चलिए फिर फाइनली यहाँ से निकल दे और कुछ हमें 1 आवर जाना है। हमें कुछ और 1 आवर जाना है, 5:30 बजे तक पहुँचेंगे करके बता रहा है गूगल बाबा। और किधर रेंज आया तो ठीक है, रेंज नहीं है फ़ोन में। ये पहाड़ तब, ये पहाड़ चढ़ के हमें उस तरफ उसके पहाड़ के पीछे भी जाना है जिधर हमें कोल्हापुर मिलेगा। तो अच्छा सीन देखने मिलेगा हमें। मैं खास आपको ये पहाड़ दिखाने के लिए रुक गया था। और मेरा नेट तो बिल्कुल नहीं चालू है, ये जितना सेव था गूगल मैप उतना ही सेव है। और अच्छा हुआ कि मैंने उधर पेट्रोल भर लिया, जितने का भी 120 रुपये का पेट्रोल कुछ भरा था मैं, वो मैंने सबसे अच्छा काम किया मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो अब तक मेरा गाड़ी बंद हो गया रहता, क्योंकि रिजर्व लग गया था मुझे कुछ 783 पे रिजर्व लग गया था। और अभी चल चुकी है गाड़ी 812, तो कुछ 20-30 किलोमीटर हो चुका था रिजर्व। रिजर्व मिनिमम मेरा चलता है 30 क्या 40 चलता है। चलिए फिर ज़्यादा बात ना करते हुए इस पहाड़ को कवर करते और आपको अच्छे अच्छे सीन्स दिखाते।
सावधान, यस सावधान भाई, स्लो ही जाऊंगा मैं। वाह क्या व्यू है यार, सुपर्ब। इधर आगे पानी भी है, यस नीचे पानी भी आपको दिख रहा है। अभी गोप्रो बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल, ऐसे ऐसे सीन आएंगे अभी एक से एक, तो गोप्रो बंद कर रहे, चालू करो बंद करो चालू करो। और आपको मैप दिख रहा होगा ऐसा आड़ा टेढ़ा रोड है। यही चीज़ मुझे ज़्यादा करके अच्छा लगता है करने के लिए, एक हो गया ऑफ रोडिंग और एक हो गया टर्निंग। सामने का पहाड़ इतना अच्छा लग रहा है ना देख के, आपको बोल रहा है गोप्रो बंद करने का इच्छा ही नहीं हो रहा था मेरे को। जैसे आ गया ऑफिस, एक पहाड़ सामने, ऑफिस कैमरा का बटन ऑन, कि आपको यही सब तो दिखाना है मेरे को, नेचर आपका भाई उसी चीज़ के लिए तो जाना जाता है। तो मुझे लग रहा है मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा कोल्हापुर वाला, इतने भारी भारी पहाड़ आ रहे। मुझे लग रहा है डैम है ये, और ये डैम का नाम मुझे पता चलेगा तो ठीक है, गूगल पे नहीं बता रहा है डैम का नाम। और डैम बहुत बड़ा डैम है, क्योंकि इसका पानी कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है इधर। वो डैम जो भी बना है ना, ये मुझे लग रहा है पहाड़ की वजह से, कि ऊपर का जितना भी पानी है सब आके नीचे जमा हो रहा है। और मैं आया उस कोने से ऊपर, और यहाँ से पीछे बस जाएंगे। इधर मुझे लग रहा है ना मेरा टायर पंचर हो गया है पीछे का, ऐसा मुझे डाउट आ रहा है, क्योंकि पीछे का जो बैग है वो थोड़ा ऐसा डाउन साइड हो गया। व्यू है यार सुपर्ब, और फोटो निकालने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो धुआं धुआं आ रहा है क्योंकि इधर पीछे बाजू किसी ने आग लगाया है पूरा पहाड़ पे, तो उसका धुआं पूरा सामने सामने आ रहा था। सुपर्ब सुपर्ब व्यू है। तो ये कुछ टॉप व्यू है ऊपर का, पहाड़ के ऊपर आने के बाद का। जैसे मैं आपको बोला था डैम देखो कितना बड़ा है, पूरा यहाँ से घूम के पूरा डैम पूरा भरा हुआ डैम है, और ये पूरा जंगल है। चलो ट्रक आने से पहले निकलते, नहीं तो फिर वो ट्रक वाला बोलेगा ओवरटेक मार रहा है और फिर से रुक रहा है। क्या चल रहा है इस लड़के का, तो मेरे पास कोई चूड़ा का पैकेट पड़ा हुआ है तो हम इनको खिलाएंगे। निकल भाई निकल, तो नीचे डालना पड़ेगा थैली, नहीं तो इन लोग थैली भी खा लेते, तो उसके लिए मैं नीचे डाल दिया जिस कारण हम लोग खा सके आराम से। फिलहाल तो झगड़ा चालू हो गया अभी बंदर अंदर लोग का, थकान था वो सब चला गया, क्योंकि जो सीन देखे जो टर्निंग्स मिले एक से एक, जो मॉर्निंग से थका महसूस कर रहा था बीमार महसूस कर रहा था सब भाग गया, लंबा लंबा सरक गया मेरे से। और वो बंदर लोग का जो मस्ती देखे और अच्छा लगने लग गया। तो फाइनली अभी पहाड़ से उतर रहा हूँ मैं, तो अभी और कुछ कोई टर्निंग नहीं है, डायरेक्ट ही मलकापुर आएगा 30 किलोमीटर में, तो जो है आधा घंटा लगेगा, आधा पौना घंटा पहुँचने के लिए हमें। तो फाइनली बस स्टैंड पहुँच चुका हूँ जो है मलकापुर कोल्हापुर में, तो यहाँ से अभी मैं जाऊँगा घर। तो इस वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ, ये जो बैक साइड में आप देख पा रहे हो ये बस स्टैंड ही है। तो इस वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ, और मिलते हैं डायरेक्ट मुंबई राइड पर जो होगा कल, या तो कल एक दिन वेट करके या तो नेक्स्ट डे जाऊंगा, ऐसा कुछ करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो होगा, और आपको मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा लगा रहेगा जो कोल्हापुर राइड अपना गोवा टू कोल्हापुर राइड, और थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।